अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे F-14 के ऊपर, ईरान और अमेरिका के तनाज़े के पस मंज़र में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि F-14 इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा जो है वो हथियार समझा जाता है एयरफोर्स का। उनके पास जो है वो F-14 है, MiG-29 भी हैं, लेकिन F-14 को वो बेस्ट समझते हैं। उसकी कुछ रीज़न हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस वक्त ईरान के F-14s की। ईरान ने तकरीबन 80 F-14s का ऑर्डर दिया था, जिसमें से उसको 79 मिले थे। इन F-14s की जो खसूसियत है वो ये है कि इसमें AWG-9 लॉन्ग रेंज डॉपलर पल्स डॉपलर रडार लगा हुआ, जिसकी तकरीबन जो है वो रेंज 115 नॉटिकल माइल्स है। और ये पहला अमेरिकन रडार था जिसमें ट्रैक वाइल स्कैन की जो है वो फैसिलिटी थी। इसके साथ साथ ये 6 एनिमी प्लेन्स को जो है साइमल्टेनियसली ये टारगेट कर सकता था। इसके साथ साथ ईरान ने, शाह ईरान के ज़माने की बात है, 70s की बात है, उसने 714 हगीज़, जो कि अब रेथियॉन बन चुकी है कंपनी, उसे AIM-54A फिनिक्स लॉन्ग रेंज सेमी एक्टिव गाइडेड रेडार जो थे, उसने एयर टू एयर मिसाइल्स जो थे वो लिए थे, जिनकी तकरीबन रफली रेंज जो है वो 100 नॉटिकल माइल्स है। अब ये चीज़ें तो उस वक्त बहुत अच्छी थी, लेकिन आजकल के ज़माने में आप आजकल के 2019 में अगर आप 2020 में देखें तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत पुरानी हो चुकी हुई। और इसमें ईरान जो है उसका मुकाबला जिन फोर्सेस के साथ है, उनके पास F-22 जैसे एयर सुपीरियरिटी फाइटर थे। अब F-22 में क्या क्या कुछ लगा हुआ है वो तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। उसमें APG-77 एक्टिव एईसा रडार लगा हुआ है, ALR-94 पैसिव इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेयर सूट लगा हुआ है, जो कि आप कह लें कि F-14s को पता भी नहीं चलेगा और वो उनको डिटेक्ट कर लेंगे और दूर से ही जो है वो निशाना बना के। और जो उसके उधर जो मिज़ाइल MRAM लगे हुए हैं, AIM-120D लगे हुए, डी मॉडल लगा हुआ है, पाकिस्तान के पास सी मॉडल, और आपने उनकी परफॉर्मेंस देख ली थी ड्यूरिंग पिछले साल 27 फरवरी को। तो जो अमेरिका के पास है वो AIM-120D हैं, जिनकी जो है वो रेंज के बारे में कहा जाता है कि 96 नॉटिकल माइल्स है। और जब वो मतलब मेरा तो नहीं ख्याल कि ईरान का और ईरान के F-14s का और MiG-29s का F-22s के साथ कोई मुकाबला है। अगर जंग छिड़ती है तो डेफिनेटली ये आमने सामने होंगे। चलें अब बेसिकली जो अपनी जो वीडियो है उसमें हम बात करते हैं कि ईरान के जो F-14s है ये ईरान के पास कैसे आए। 1972 में इराक और सोवियत यूनियन ने एक मुआहदा किया कि जी उसमें इराक को सोवियत यूनियन ने कहा हम आपको अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देंगे, लेटेस्ट जहाज़ देंगे, उसमें उन्होंने MiG-25 उनको दिए। मॉस्को का क्या उसमें अमल दखल था, मॉस्को को चाहिए था इस रीजन में एक बायर, और इराक अच्छा खासा अमीर मुल्क था, तो उन्होंने उसके साथ जो है वो किया। शाह ईरान जो था उसने जब ये देखा, तो ये 1972 की बात है, उस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आई थी ईरान में, तो जब उन्होंने, शाह ने ये देखा, शाह खुद एक जो है वो फाइटर पायलट था, तो उसने, उसको पैनिक हो गई, उसने कहा कि जी ये तो मसला बन जाएगा। उस वो फौरन भागा अमेरिका की तरफ और उसने अमेरिका से कहा कि जी ये जो MiG-25 है ये 60,000 फुट की बुलंदी पे उड़ता है और Mach 3 की इसकी स्पीड है, तो मुझे तो कोई ऐसा फाइटर चाहिए कि जो जिससे मैं इसका जो है वो काउंटर कर सकूं। निक्सन और उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो था हेनरी किसिंजर, वो 1972 में आए और उन्होंने ईरान आए, अब ये इतने अच्छे ताल्लुकात थे इनके, तो उन्होंने ईरान को कहा कि जी आप, ईरान के पास पैसे भी थे, तो उन्होंने ईरान से कहा कि जी आप जो कहते हैं वो हम आपको देने को तैयार हैं। उसने, शाह ईरान ने उनको आगे ये कहा कि जी मुझे F-14 जो है वो चाहिए, और उसके साथ साथ AIM-54 फिनिक्स एयर टू एयर मिसाइल चाहिए। अब जब बात शुरू हुई तो उसमें उन्होंने 79, आपको पता है कि ईरान में जब आयतुल्ला खमेनी आए थे तो उस वक्त 1979 में, अभी 72 में उन्होंने उनको ये दिया था, तो 79 तक, आयतुल्ला खमेनी तक जो है वो तकरीबन 79 F-14s जो थे वो अमेरिका ईरान को दे चुका था।
एक सिर्फ रह गया था, वो फिर उन्होंने अपने एक यूज़ के लिए रख लिया था। इस वक्त अगर बात की जाए तो तकरीबन ईरान के पास 40 ऑड F-14s मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं। अमेरिकन नेवी जो कि टॉम कैट यूज़ करती थी, उसने 2006 में इस जहाज़ को जो है वो रिटायर कर दिया था और F-18s पे आ गए थे वो। बेसिकली F-14 की कहानी कुछ इस तरह से है कि 1960s में जब पेंटागन ने देखा कि नेवी को एक उसके नेवी के पास बहुत ज़्यादा जहाज़ थे, कॉर्स और दूसरा तीसरा बहुत ज़्यादा जहाज़ थे, उन्होंने कहा जी हमें एक अच्छा जहाज़ चाहिए। तो उन्होंने देखा कि अमेरिकन एयरफोर्स जो थी वो यूज़ करती थी बेसिकली बॉम्बर, और इस तरह से वो बॉम्बर यूज़ करती थी F-111 जनरल डायनेमिक्स का था, ट्विन इंजन था, स्वेप्ट विंग था और वो उसको बड़ा ज़बरदस्त लॉन्ग रेंज बॉम्बर था, लेकिन नेवी के प्रोफाइल में वो फिट नहीं होता था। उसमें क्या उसके मसले थे, एक तो वो कॉम्प्लेक्स था और अंडर पावर था, यानी कि उसका वज़न ज़्यादा था और इंजन उसका जो थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे और वो इतना ज़्यादा मतलब मेंटेन करने में ज़रा मुश्किल था। नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर से जहाज़ को उड़ाना होता है तो उन्होंने कुछ उसका ना एक वर्जन बनाया, नेवल वर्जन। उस नेवल वर्जन में उन्होंने जो है वो उसका नाम रखा F-111B और वो किया, लेकिन उसने जो है वो उनके तीन जहाज़ क्रैश हो गए, 7 बनाए जिसमें से 3 क्रैश हो गए और वो तो उन्होंने फौरन जो है वो प्रोग्राम बंद कर दिया। फिर उस वक्त एक कंपनी जो नॉर्थरॉप ग्रमन थी, उन्होंने ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट लिया, उन्होंने कहा जी उन्होंने TF-30 इंजन थे, AWG रेडार था और AIM-54 को उन्होंने ना ये सारा कुछ उठा के तो एक छोटे और कॉम्पैक्ट एयर फ्रेम में ना और सिंपल एयर फ्रेम में उन्होंने इसको बंद किया और F-14 का वजूद आया। दिसंबर 1970 में इसकी पहली फ्लाइट थी और 2 साल बाद उन्होंने इसको जो है ये अमेरिकन नेवी ने इसको F-14 को अपने अंदर मतलब ले लिया, उसको सप्लाई शुरू हो गई। टोटल जो है 712 F-14 जो हैं वो बने थे। अब शाह ने क्या ऑर्डर किया था, शाह ने ऑर्डर किया था मतलब 80 जहाज ऑर्डर किए थे और तकरीबन 700 के करीब ना उसने काफ़ी बड़ा ऑर्डर दिया था अमेरिका को, $2 बिलियन का। $2 बिलियन उस वक्त के बहुत ज़्यादा थे, 1970 में $2 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम थी और ईरान के पास पैसे थे, ईरान तेल प्रोड्यूस करता था और उसने उसको ये दिए। उसमें कुछ किकबैक्स भी थी, मतलब ईरान का जो सदर था शाह, उसने अमेरिका से कहा कि जी मुझसे पैसे लिए गए तकरीबन $24 मिलियन इन्होंने नॉर्थरॉप ग्रमन के लोगों ने मुझसे किकबैक्स लिए हैं, मुझसे इन्होंने जो है वो पैसे मांगे हैं, रिश्वत मांगी है कि हम आपको जहाज लेके देते हैं ये वो। जिसके ऊपर अमेरिकन ने कहा कि जी ये आप मतलब उन्होंने उसका कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, कुछ मसले मसाइल हुए, लेकिन बेसिकली ईरान को ज़रूरत थी उस वक्त MiG-25 को काउंटर करने की और उन्होंने एक काम किया, आपको मैं बताता हूँ। एक ड्रोन था उस वक्त, टारगेट ड्रोन उस वक्त भी थे, BQM-34E उसका नाम था, BQM-34E, वो उन्होंने 50,000 फुट की बुलंदी पर उड़ाया और उसको टारगेट किया और गिरा दिया। इराकियों को खबर होगी कि जनाब ईरान के पास एक ऐसा हथियार आ गया है कि जो हमारे MiG-25s को ना मतलब वो काउंटर कर सकता है। जब रेवोल्यूशन आया 1979 में, 16 जनवरी 1979 में शाह जो है वो मुल्क छोड़ के फरार हो गया, तो जो F-14 के पायलट्स थे, F-14 के जो इंजीनियर्स थे और वो उनको ना जो शाह मतलब खोमेनी की जो फोर्स थी उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन उनको जल्दी पता लग गया कि उनको ये मसला बनेगा क्योंकि F-14 को उनको उड़ाने के लिए जो है वो पायलट्स तो दरकार हैं। तो जब पायलट्स दरकार हैं तो फिर उन्होंने उन क्योंकि वो रॉयल्टीज़ का मसला आ जाता है, तो उन्होंने F-14 के पायलट्स इंजीनियर्स जो है वो पकड़ना शुरू कर दिए, लेकिन जल्दी उनको छोड़ दिया।
1980 में जो है ईरान इराक की जंग छिड़ गई, बगदाद जो था उसने उसके जो MiG-25 फाइटर्स थे उन्होंने वो ऊंचा उड़ सकते थे, वो ऊंचा उड़ते थे और जो F-4 फैंटम थे और F-5 जो थे उनके ऊपर जो है वो ऊपर से आते थे और उनको इजीली निशाना बना लेते थे। तो MiG-25 ने मतलब दर्जनों के हिसाब से जो है वो उनके F-4 फैंटम्स और F-5 जो है उनको निशाना बनाया और एक इराकी पायलट था मोहम्मद रयान, उस अकेले ने 8 टारगेट्स किए थे MiG-25 से। ये रिकॉर्डेड बात है, ये जो बात है ये मैं आपको रिकॉर्डेड बता रहा हूँ। सिर्फ F-14 ऐसा जहाज़ था जो कि MiG-25 को चैलेंज कर सकता था। जब जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त ईरान के पास सिर्फ 77 F-14 रह गए थे, दो जो थे वो क्रैश हो चुके थे। और लेकिन मसला ईरान के साथ ये था कि उसके पास सिर्फ 60 पायलट थे और जो विजो जिनको बोलते हैं बैक सीट रेडर ऑपरेटर्स जो थे वो सिर्फ 24 थे। ईरानियों ने कुछ भाग गए थे, जब शाह की हुकूमत गई तो कुछ भाग गए थे, मुल्क छोड़ के फरार हो गए थे, वो नहीं खमेनी के साथ रहना चाहते थे या जो भी पॉलिटिकल मसले मसाइल थे, तो ईरान को ये बहुत ज़्यादा इशू था। बेसिकली फिर ईरान ने उसको ना एज ए अर्ली वार्निंग, होंगे इसके पास रेडार अच्छा था, इसका रेडार दूर तक देख सकता था, तो इसको एज कह लें कि एक मिनी एवैक्स के तौर पे इन्होंने उसको यूज़ किया। और मतलब इससे जो जितना भी वो काम ले सकते थे, 60 पायलट्स थे जो कि लॉयल थे खमेनी के साथ और 24 सिर्फ बैक सीट रेडार ऑपरेटर्स थे, तो फिर बस जो भी उन्होंने उसके साथ किया। इनमें से एक पायलट था जिसने ईरानी तो कहते हैं कि हमने तकरीबन 200 जो है वो इराकी जहाज़ों को गिराया सिर्फ, लेकिन उनमें से 64 ऐसे हैं जिनको ईरानी एयरफोर्स जो है वो कंफर्म कर सकी है। एक पायलट जिसका नाम था जलील जंदी, उसने कहते हैं कि 11 एयर टू एयर जो है वो किल्स किए थे और उसका नाम मतलब उसको जो है ईरान में सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट फाइटर पायलट के नाम मतलब उसको बड़ी इज्जत दी जाती है ईरान में। उसके बाद आ गया टाइम के ईरान के पास जो थे, बेसिकली शुरू में अमेरिकन्स जब शाह की हुकूमत थी और ये इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आया हुआ था, तो उस वक्त वो उसके ऊपर वेपन्स इंटीग्रेट कर रहे थे, स्पैरो AIM-7 स्पैरो और शॉर्ट रेंज साइड वाइंडर मिसाइल्स जो थे वो इसके ऊपर लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक सक्सेसफुली नहीं लगे थे, जिसकी वजह से ईरानियों को ये भी बड़ा मसला था कि उनके पास सिर्फ फिनिक्स AIM-54 फिनिक्स मिसाइल्स थे और जिनको वो यूज़ कर सकते थे, तो जिसकी वजह से ईरान अपने F-14s को फुल पोटेंशियल पे यूज़ नहीं कर सका था ईरान इराक वॉर में। फिर ऐसा हुआ कि इस पूरी जंग में 14 जो थे, मैंने आपको बताया कि 79 टोटल थे, 77 उनके पास जंग से जब जंग शुरू हुई तो 77 थे, दो क्रैश कर गए थे, तो 8 F-14s जो थे ना वो उस वक्त उनको इराक के एफ जो थे एफ मिराज F-1 फाइटर्स मिराज F-1 फाइटर्स ने जो है वो तकरीबन गिराया था, एक MiG-21 ने गिराया था और दो को मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स की वजह से वो गिरे थे। तो उस वक्त जब ये जंग लगी हुई थी तो अमेरिका जो था वो भी परेशान था कि ईरान की ऐसी हुकूमत है जिसको वो पसंद नहीं करते, तो क्योंकि ईरान जब ये रेवोल्यूशन आई थी तो उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया था और 52 अमेरिकन्स को हॉस्टेज बना लिया था। आपको आप डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट देखें तो उसने भी यही कहा कि इन्होंने हमारे 52 जो थे वो लोग उनको हॉस्टेज बनाया था, तो हम भी जो है इनके 52 टारगेट्स करेंगे। ये इस वजह से वो 52 का नंबर जो है वो इनमें चलता है कि 52 जो है वो इन्होंने हॉस्टेजेस बना लिए थे। लेकिन फिर ये हुआ कि अच्छा हाँ एक बात आपको मैं सिर्फ बता दूं, पूरी जंग में 1982 में सिर्फ एक ऐसा था F-14 जिसने MiG-25 को गिराया था, दो बल्कि
दो MiG-25 जो थे वो F-14 ने गिराए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनके पास सिर्फ AIM-54 मिसाइल्स थे और कोई मिसाइल है ही नहीं थे, उनके पास इंटीग्रेट ही नहीं हुए हुए थे। वो ईरानियन रेवोल्यूशन आ गई, अमेरिकन भाग गए, अमेरिकन इंजीनियर जो थे वो भाग गए, तो ईरान के पास कोई ऐसा कोई था नहीं सिस्टम कि जो वो अपने कर सके। उनके पास स्पेयर पार्ट्स की भी कमी थी, उन्होंने उनको स्पेयर पार्ट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो एक दफ़ा तो उन्होंने कहा कि भाई अब ऑफिशियल रिक्वेस्ट की कि आप हमें दे दें, अमेरिका ने उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उनके कुछ हॉस्टेजेस थे, अमेरिकन हॉस्टेजेस थे, फिर उन्होंने अमेरिकन हॉस्टेजेस के बदले F-14 के लिए कुछ मिसाइल्स खरीदे और भी काफ़ी कुछ खरीदा। ईरान इस F-14 को अपने तौर पर भी अपग्रेड करता रहा। बेसिकली जब वो हॉस्टेजेस के बदले इन्होंने F-14 की चीज़ें खरीदी ना, F-14 की चीज़ें उन्होंने अमेरिका से ली, तो उसको बड़ा ज़्यादा उन्होंने हेल्प किया उस वक्त। तो लेकिन उन्होंने उसको खुद से अपग्रेड करके उसको ग्राउंड अटैक बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे, वो उनको इतना ज़्यादा सक्सेस ईरानियों को नहीं हुई थी, और ये कोई ग्राउंड अटैक के लिए नहीं इतना अच्छा उनके पास है। अब मसला ये है, फिर उनके पास उस वक्त ईरान ने अमेरिका से हॉक सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी खरीदे थे और सोवियत यूनियन से R-73 मिसाइल्स भी खरीदे थे, उनको भी ईरान ने अपने तौर पे इस जहाज़ पे लगाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि भाई हॉक जो सरफेस टू एयर सैम्स हैं वो इसके ऊपर लगा देंगे, तो हम सैम्स तो वैसे आपको पता है कि एक रेडी टू रोल मिसाइल होता है जिसमें ना पायलट को जहाज़ में बैठने की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ ना कुछ, और उसका रिस्पांस टाइम भी बहुत तेज़ होता है, तो जिसकी वजह से फिर उन्होंने इसको अबैंडन कर दिया और जो है आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स थे उनको बचा लिया। स्पेयर पार्ट्स की उनको ज़रूरत पड़ती थी, अमेरिका से उन्होंने सिंगापुर के जरिए काफ़ी ज़्यादा स्मगल करने की कोशिश की, कामयाब भी हुए नाकाम भी हुए। चाइना से फिर ईरान को कोई चीज़ बेचता नहीं था, बेसिकली उसके ऊपर पूरी दुनिया पर पाबंदियाँ थी। चाइना के F-8 जहाज़ को उन्होंने क्या कहते हैं टेस्ट किया F-14 की रिप्लेसमेंट के तौर पे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि F-8 कोई इतना अच्छा जहाज़ नहीं था, उन्होंने उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। ब्लैक मार्केट से उन्होंने कई ईरानी पकड़े गए ब्लैक मार्केट से F-14 के स्पेयर पार्ट्स लेते हुए। 2006 में जिस तरह मैंने बताया कि F-14 को अमेरिका ने अपना रिटायर कर दिया था, तो 2006 में रिटायर करते हुए उनके जो बच गए थे तीन तो ऐसे थे कि जो उन्होंने पूरे का पूरा जहाज़ ईरान शिफ्ट करने के चक्करों में वो ऐसा था कि वो पकड़े गए। फिर FBI ने भी इनके ऊपर अपने लोगों पे ईरानियों पे कुछ कैनेडियंस थे जिनके ऊपर उन्होंने सख्तियाँ उनको पकड़ा, उनको जेल हुई, फाइन हुए। तो ईरान के जो F-14s हैं वो को इस वक्त इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, और अमेरिका के साथ अगर उसकी जंग होती है तो आप ये ख्याल कर सकते हैं इस वक्त जितने भी कि उनका कोई इतना ज़्यादा चांस नहीं है। और इस वक्त जो F-14s ईरान के पास पड़े हुए हैं वो उसने अपने उनका एक न्यूक्लियर प्लांट है उसकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने रखे हुए हैं बेसिकली, क्योंकि उनका रडार अच्छा है, अभी भी रडार दूर तक देख सकता है, तो कम से कम वो जितना भी उसको यूज़ करना बेहतर समझ सकते हैं। उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनका बुशेर में उसके लिए उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने रखे हुए, तो बहरहाल लेकिन कोई एज सच इतना कोई चांस नहीं है ईरान के पास कि उनके F-14 जो है वो अमेरिका के F-22 जो कि जिनका उनको सामना होगा उनसे या और किसी जहाज से वो कोई सब्सटेंशियल वो कोई गेन हासिल कर सकें। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।